कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी एक रेसिपी का प्राइस हम लोग कैसे निकालें। सुनने में बहुत ही आसान लगता है किसी भी डिश का प्राइस निकालना, जैसे कि हम नॉर्मली यूजुअली करते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी सामग्री यूज़ कर रहे हैं, उनके प्राइस के हिसाब से जितने भी मात्रा हम ले रहे हैं उनको हम लोग जोड़ लेते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं जो भी हमारी क्वांटिटी आती है। बहुत आसान लगता है पर एक्चुअल में ये इतना आसान होता नहीं है। हम लोग ढेर सारी गलतियां करते हैं किसी भी रेसिपी की कॉस्टिंग निकालने के लिए, क्योंकि मैंने ये जर्नली देखा है। आप कितना भी बोल लीजिए, आपको मालूम है कैसे रेसिपी कॉस्ट निकालते हैं, पर आज मैं आपको कई सारी ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि आज तक आपने सुनी भी नहीं होंगी, या फिर आपको मालूम भी होगा तो आपने कभी उनको प्रैक्टिस में नहीं लाया होगा। और इसके बाद वीडियो तो छोटी होगी, उसके बाद मैं एक अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन पे जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो मैं चला दूंगा, जिसमें कि आपको एज अ सैम्पल भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं वो आपको जो एक्सेल शीट है आपको मिल जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो जो एक्सेल शीट है वो भेज दूंगा। तो चलिए, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन दबा देना, और आप चाहते हैं डायरेक्ट मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको वीडियोज़ भेज दूँ तो मुझे रिक्वेस्ट कर दीजिए। जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है डिस्क्रिप्शन में है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके पास मैं सबसे पहले वीडियो पहुँचा दूंगा। तो चलिए, किसी भी एक रेसिपी की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सबसे सिंपल तरीका यही है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें लेने हैं उनका हमें प्राइस मालूम होना चाहिए, और फिर हम लोग कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं वो हमें मालूम होना चाहिए, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गई वो बात जो आज तक समझ रहे थे, पर इसके अलावा भी आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक परफेक्ट एक्चुअल रेसिपी निकालने के लिए। अब कई सारी रेसिपीज़ हैं, मान लीजिए हमारी इंडियन की रेसिपीज़ हैं, जहाँ पे कि हम लोग सिर्फ दाल की कॉस्टिंग करना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि मैं एक पोर्शन में 100 ग्राम दाल दे रहा हूँ, मैं 200 ग्राम दाल दे रहा हूँ, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। और या फिर आप बोलते हैं कि मैं बल्क में कहीं खाना बना रहा हूँ, मेरे बैंक्वेट है जहाँ पे मेरे को 50 किलो दाल एक साथ बनानी है, 50 किलो चावल बनाना है, मैं वहाँ की कॉस्टिंग कैसे करूँ, जो कि कॉमन क्वेश्चन होते हैं। या हम लोग सोचते हैं कि हमें एक थाली है जिसके के अंदर हमें दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ देनी है, उसकी कॉस्टिंग मैं कैसे करूँ। उसके बाद हम लोग कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं जहाँ पर एक ही प्लेट में आलू भी है, चिकन भी है, सॉस भी है, कुछ और आइटम भी है, गार्निशेज हैं, तो अब उसकी कॉस्टिंग हम लोग कैसे करें। या चाइनीज़ आइटम, फ्राई आइटम मान लीजिए, जैसे कि हमारे चिली चिकन है, हम इसकी कॉस्टिंग कैसे करें। या ऐसे आइटम जो हम कंबाइन करके दे रहे हैं, चिली चिकन विद फ्राइड नूडल, इनकी कॉस्टिंग हम लोग कैसे करें। तो अब आपके दिमाग में अब आपको कन्फ्यूज़न आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, हमें ये सारी कॉस्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको हर किसी की अलग अलग कॉस्टिंग करनी होगी। आप चाहे तो उन्हें किलो के हिसाब कर लीजिए से कर लीजिए, आप 1 किलो की दाल की रेसिपी कर लीजिए, या आप 1 किलो चाइनीज़ चिकन की रेसिपी कर लीजिए, या फिर आप क्वांटिटी के अगर एक प्लेट में आपने चिकन दिया है फिर उसके बाद फिश दी है, आप उसको 1-1 किलो के हिसाब से कर लीजिए, चाहे आप पोर्शन के हिसाब कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। अगर आप इंडियन खाना बना रहे हैं तो आप किलो के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप पर किलो के हिसाब से अपनी रेसिपीज़ निकाल लीजिए। उसके बाद आपको थाली में करना है, अगर आप 10 ग्राम देना चाहते हैं या 100 ग्राम देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको रेसिपी केजी में करनी है, पोर्शन के हिसाब से करनी है, या कैसे करनी है। तो ये जब आपका डिसाइड होता है उसके बाद आते हैं आपकी रेसिपी के स्टेप्स। कई सारे स्टेप्स होते हैं, हम लोग मेनली जो कोई भी अगर हम लोग खाना बना रहे हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स, नॉनवेज आइटम, पानी और हमारे डेयरी प्रोडक्ट जो कि मेन है, और इसके बाद हमारी ग्रोसरीज माने ड्राई प्रोडक्ट या केन प्रोडक्ट। अब जब भी हम लोग कोई रेसिपी बनाते हैं हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अनियन यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए मैं दाल बना रहा हूँ, दाल तड़के वाली दाल, मैं बोलता हूँ कि मैं इसमें 1 किलो प्याज डाल रहा हूँ। तो क्या जो आप 1 किलो प्याज डाल रहे हैं वो कौन सा वाला प्याज है, जो छिलने के बाद 1 किलो जब हम लोग प्याज छिल देते हैं तो कम से कम 20% हमारा कम हो जाता है, वो इंक्लूड है उसमें या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और आपको अपनी प्राइसिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपको नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि मैं एक
जो 1 किलो दाल में मैंने आपका 1 किलो प्याज में जो मैंने जो मैंने लिया है, माफ़ कीजिएगा, 1 किलो मैंने जो प्याज लिया है और उसको चॉप करके, तो आपको तो एक्स्ट्रा प्याज लग गया ना आपका, तो 1 किलो करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 800 ग्राम ही हुआ है, तो आप 200 ग्राम के लिए 300 ग्राम प्याज और ले लेंगे, वो काट देंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए आपकी रेसिपी में, आप कच्ची मात्रा ही आप अगर उसमें यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि एक रेसिपी है दाल की, फिर से ले लेते हैं, दाल में आप लिखते हैं 1 किलो प्याज, तो आप 1 किलो कच्चे प्याज लीजिए, ना कि 1 किलो कटे हुए प्याज। आप 1 किलो अगर आप लोग लिख रहे हैं, मैं 1 किलो मिर्ची ले रहा हूँ किसी भी रेसिपी में डालने के लिए, तो आप उसकी डंडियाँ निकाल के 1 किलो मत कीजिए, आप डंडियों के साथ 1 किलो कीजिए। आप बोलते हो कि मैं बैंगन ले रहा हूँ 1 किलो रेसिपी में, तो आप बैंगन के जो डंडी है, छिलके हैं, सबको साथ ही तोल लीजिए। ये नहीं कि आप काटने के बाद फिर से तोल रहे हो, आप बोल रहे हैं कि भैया ये कटा हुआ प्याज इतना हो रहा है, तो उससे आपकी जो रेसिपी कॉस्ट है वो कम आ जाएगी, पर एक्चुअल में वो ज़्यादा होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप सब्जियाँ कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें। उसके बाद आपके आते हैं नॉनवेज आइटम। नॉनवेज आइटम से मेरा मतलब है कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं चिकन टिक्का बना रहा हूँ और मुझे 1 किलो थाई लेनी है। अब 1 किलो मैं थाई ले रहा हूँ, मैंने देखा मैं 1 किलो चिकन टिक्का बाहर से लाया और थाई मैंने थोड़ी क्लीन करी, कुछ फैट निकाला, कुछ हड्डियाँ निकल गई, कुछ पानी में बह गया, कुछ हो गया, तो वो रह गया सिर्फ 800 ग्राम। तो अब आप क्या करते हो, आप 200 ग्राम और ले लेते हो, जो कि गलत है, आपको नहीं लेना है। आपको 1000 ग्राम जब आपने उसका प्राइस पे कर दिया, तो आपको इस 1000 ग्राम को ही, इसको ही लेना है, चाहे वो 800 या 700 ग्राम कितना भी रहना गया हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। ये नहीं कि आपकी मात्रा कम हो जा रही है तो आप एक्स्ट्रा लें, अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो आपको उसमें वो ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। या फिर आपकी कई बार आप एक होल चिकन आप लेके आते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे इसका रोस्ट चिकन बनाना है, रोस्ट चिकन बना रहे हैं, फिर आप उसकी जो कि टांगे होती है वो निकाल देते हैं या गर्दन निकाल देते हैं, और आप फिर उसकी जो चिकन का जो वेट है वो कम लिख देते हैं उसमें, तो वो भी गलत है। आपको पूरा प्रॉपर वेट ही लिखना पड़ेगा, तभी आपकी जो रेसिपी की कॉस्टिंग सही आएगी। उसके बाद होता है पानी। आप लोग पानी का प्राइस कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी रेसिपीज़ में, आपको पानी का प्राइस भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत ही मिनिमम 1 पैसा रख लीजिए पर लीटर, लेकिन आप रखिए, क्योंकि आप लोग मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, आप लोग प्यूरीफायर देते हैं, जब प्यूरीफायर आप लोग लगाते हैं बड़ा महंगा आता है, वो बिजली खाता है, तो ये सारी कॉस्ट आपकी कहीं नहीं निकलेगी, वो सिर्फ डब्बे में ही जाएगी अगर आप वो अच्छे से लगाने रहे। तो आपको ये भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे केन्ड प्रोडक्ट। केन प्रोडक्ट से मेरा मतलब है आप मशरूम की कोई सब्ज़ी बना रहे हो, आप बोलते हो कि मैं मशरूम मटर मसाला बना रहा हूँ, आपने मशरूम लिए, आपको फ्रेश नहीं मिले, आपने ले लिए केन वाले। अब जो एक डब्बा है अब और रेसिपी में लिखा है आपको 1 किलो यूज़ करने हैं, अब जो आप डब्बा लाए वो 1 किलो का था, लेकिन जब आपने खोले तो आधा तो पानी निकल गया और आपके सिर्फ मशरूम बच गए 500 ग्राम। तो अब क्या आप दूसरा एक और डब्बा लेंगे? जी नहीं, आपको सिर्फ वही डब्बा यूज़ करना है, क्योंकि उसमें वो 1000 किलो में आपका जो प्राइसिंग इंक्लूड है। अगर आप अलग एक और डब्बा ले आएंगे तो आपको 2 किलो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो रेसिपी की कॉस्ट है वो गलत आएगी और वो आप कम पैसों में ज़्यादा माल दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है अपनी रेसिपी कॉस्टिंग में निकालने के बाद। इसके बाद आप एक स्लाइड चल जाएगी लगभग 2-2.5 मिनट की होगी, जिसमें कि मैंने पेपरिका चिकन टिक्का की एक सैंडविच बताई है, और आप उसमें देखेंगे कि मैंने किस तरीके से उसकी प्राइसिंग करी है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं आगे। अब आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे आ गए, मैं आपको रेसिपी ले जाता हूँ। जो ये रेसिपी है ये है हमारी पेपरिका चिकन टिक्का सैंडविच की। इस रेसिपी के 3 पार्ट हैं, एक मेन रेसिपी है हमारी, उसके बाद दूसरा है हमारी चिकन टिक्का की स्टफिंग और तीसरा है हमारी जंबो ब्रेड। तो ये इसमें 3 रेसिपीज़ हैं, और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपको ये एक्सेल शीट में आपके व्हाट्सएप पे आपको मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसको आराम से अपने पास रख सकें और समझ सकें। तो चलिए रेसिपी के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिकन टिक्का स्टफिंग की। अब पहले वाले जो आप कॉलम देखेंगे इसमें मैंने सारे इंग्रीडियंट्स लिखे पड़े हैं, उसके बाद वो किस मात्रा में है, मान लीजिए वो लीटर में है या ग्राम में है, उसके बाद उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है वो लिखी है, उसके बाद उनका रेट है पर केजी के हिसाब से, और फिर अमाउंट है जिस भी मात्रा में हमने उतने वहाँ पे यूज़ किया है। अब नीचे इसके नीचे रेसिपीज़ दी गई हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पे चिकन थाई बोनलेस, जो कि मैंने 1 किलो ली है।
अब मान लीजिए आप बाहर से 1 किलो चिकन थाई लाते हैं, आप थोड़ा उसको साफ़ करते हैं, थोड़ा उसका पानी निकल जाता है, तो लगभग मान लीजिए वो 800 ग्राम हो जाता है। तो अब क्या आप 200 ग्राम और ख़रीद के लाएंगे और उस रेसिपी में डालेंगे? तो अगर आप ऐसा कर रहे थे अभी तक, तो आप लोग वो गलत कर रहे थे। आपको बाहर से अगर एक बार में आप जितना भी लेके आ गए, आप मान लीजिए 1 किलो लिखा है, आप 1 किलो लेके आएंगे तो आपको वही डालना है, चाहे वो 800 ग्राम ही क्यों ना हो जाए, नहीं तो आपको आपकी जो रेसिपी है वो गलत हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे हंकड़ है, हंकड़ माने टंगा हुआ दही। मैंने यहाँ पे टंगा हुआ दही 300 ग्राम लिखा है। अब मान लीजिए आप बाहर से अगर हंकड़ डायरेक्ट 300 ग्राम लेके आ जाते तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए आप घर पे अपने जो दही है, आप 500 ग्राम दही लाए जिसकी कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, और वो आप उसको हंग कर देते हैं, टांग देते हैं, तो लगभग वो 300 ग्राम हो जाता है। तो आपको जो 500 ग्राम का प्राइस ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो एक्चुअल में आपने जो दही उसमें डाला है वो 500 ग्राम है, जो कि बाद में कम हो गया है। तो आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप लास्ट में देखेंगे या क्वांटिटी अगर हम लोग पूरी ऐड कर ले तो ये हमारी 1552 ग्राम हो जाती है, और इनका प्राइस हो जाता है 366 रुपये। अब ये पकने के बाद जो ये टोटल हमारा जो क्वांटिटी हमारी 1552, ये पकने के बाद हमारी ईल्ड आ जाती है हमारी 1210, क्योंकि चिकन पकने के बाद कुछ कम हो जाएगा। तो जब ये अगर हम इसको फिर आपस में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे और हम लोग इसकी पर केजी कॉस्ट निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा ये फार्मूला यहाँ पे नीचे F12 / F14 / 1000। F12 हमारा यहाँ पे है, हमारा है F12 है हमारा टोटल उसका प्राइस, और F14 है हमारा यहाँ पे जो भी उसकी आपका F14 हमारा यहाँ पे टोटल कितना वो बनने के बाद हुआ है 1210। अगर हम इसको टोटल डिवाइड कर देते तो हमें पर केजी की जो कॉस्ट निकल के आ जाएगी जो कि 302 रुपये है। तो 1 किलो चिकन टिक्का हमें यहाँ पे पड़ गया है 302 रुपये का। इसकी रेसिपी नीचे है, आप रेसिपी भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जम्बो ब्रेड की। अब जम्बो ब्रेड आप देखिए, मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, उसके बाद किस किस मात्रा में हैं वो, उसके बाद उनकी क्वांटिटीज़, फिर रेट पर केजी के हिसाब से और अमाउंट। अब ये सारी कैलकुलेशन के बाद अगर आप देखेंगे तो टोटल क्वांटिटी हमारी यहाँ 39618 हो जाती है, और हम इनका जो अमाउंट हो जाता है वो हमारा 1018 1018 रुपये, और जो क्वांटिटी हमारी 39618 का मतलब है हमारा है यहाँ पे ये 3000 ग्राम, और लगभग हमारा ये 4000 ग्राम है, मतलब कि 4 किलो के लगभग है। अब आप इसमें देखेंगे, मैंने पानी की भी कीमत रखी है। पानी की कीमत इसलिए रखी है क्योंकि जब भी आप पानी ले रहे हैं अपने होटल से तो आप प्योरीफायर का यूज़ करते हैं, आप मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपनी रेसिपी में। अगर आपने आज तक पानी के जो प्राइस अपने रेसिपीज में नहीं लिखा है तो प्लीज उसे इंक्लूड जरूर कीजिए, क्योंकि इससे ही आपकी जो जो रेसिपी की एक्चुअल कॉस्ट पता लग पाएगी। अब इस प्रकार से हमारे आपकी जो पर जो हमारी कॉस्ट है वो आ जाती है 43 रुपये। अब हम चलते हैं मेन रेसिपी पे। अब ये मेन रेसिपी में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। पेपरिका चिकन टिक्का मैंने ऊपर लिखा है, फिर मैंने लिखा है नीचे चिकन टिक्का की स्टफिंग मैंने यहाँ पे ली है 60 ग्राम, और 302 रुपये के हिसाब से अगर मैं 60 ग्राम करूँ तो वो आती है हमारी 18 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे मियोनिस। मियोनिस मैंने यहाँ पे 30 ग्राम लिया है, 110 रुपये का मियोनिस आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी कीमत हो जाती है 3 रुपये 30 पैसे। उसके बाद पेपरिका है, 1 ग्राम मैंने लिया है एक सैंडविच के हिसाब से, जिसकी कीमत है 875 रुपये, और वो लगभग 8.75 पैसा, मतलब कि 1 रुपये से भी कम हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं उसका। उसके बाद है हमारे ब्रेड के स्लाइसेज, वहाँ पे हमारे एक जो लोफ की कीमत आई थी 43 रुपये, और जो उसकी क्वांटिटी थी वो थी 1 किलो 48 ग्राम के हिसाब से। अब जो ये इसका जो प्राइस आ जाता है हमारे सिर्फ 2 स्लाइस का, वो आ जाता है हमारा 6 रुपये 47 पैसे। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं हमारी, तो हमारी ईल्ड लगभग आ जाती है हमारी 180। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे ऊपर वाले पे व्यू नोट्स में, आफ्टर रिमूविंग साइड्स। अब जब मैंने ये पूरी अपना चिकन टिक्का डाल दिया, उसमें मैंने आपकी सैंडविच के स्लाइसेस डाल दिए, तो ये हो जाता है मेरा 239 ग्राम। पर जो ये साइड जब मैं काट दूंगा तो साइड काटने के बाद वो 180 ग्राम का हो जाएगा। अब जो ये 180 ग्राम का जो ये हो जाएगा, तो इसकी जो कीमत आएगी मेरी, वो आएगी मेरी 28 रुपये।
28 रुपये 80 पैसे, तो मेरी एक सैंडविच की कीमत 28 रुपये 80 पैसे आई है। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने लिए एक परफेक्ट रेसिपी की कॉस्ट निकाल सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको जो ये एक्सेल शीट है आपको दे पाऊँ आपको, और आप इसे आसानी से समझ पाएँ। तो आगे इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो इसके बारे में परफेक्ट नहीं समझ पाए हैं शेफ़, वो समझ पाएंगे। और कोई भी आपके पास टॉपिक्स हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।